अभिषेक, आशीष जी से जानना था कि अगर इनको निवेश करना है कोई मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में, तो नए निवेश के नजरिए से कोई अगर काउंटर्स हैं तो वो भी बताएं। जी, नए निवेश के नजरिए से स्टॉक्स लेने हैं आपको, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप दो स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। मेरा पहला स्टॉक रहेगा, पसंदीदा स्टॉक रहेगा अशोक लेलैंड। मेरा मानना है इसको 160 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो एक बड़ी स्टोरी कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में शिफ्ट हो रही है, उसमें अशोक लेलैंड को काफी आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल एक अशोक लेलैंड के स्टॉक पे आप बैट कर सकते हैं, और ये 3 साल होल्ड करके रखेंगे इस स्टॉक को, तो मेरा मानना है ये स्टॉक में बिल्कुल यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल है। इसके अलावा हमने श्री सीमेंट की तो बात की, मेरा मानना है इस स्टॉक में भी यहाँ से 20-21% की अपसाइड और अभी भी बाकी है। अगले 6 से 8 महीने में ही मेरा लक्ष्य था 31,000 का, पर मुझे लगता है वो लक्ष्य और थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, तो ये दोनों स्टॉक में बाय कर। क्वेश्चन है, और शायद बाजार भी वैसा नहीं रहा कि आप आंखें मूंद लें, बिल्कुल पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करें ही नहीं। लेकिन अगर कोई अशोक लेलैंड को मान लीजिए 20 साल 25 साल होल्ड करें, क्या 15x 20x ये रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं क्या? देखिए, इतने लंबे टाइम फ्रेम तक का तो बताना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इन स्टॉक्स में, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में इतने जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, तो अगले 10 साल में कितनी कंपनियां सस्टेन करेंगी और कितनी कंपनियां नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हिसाब से उस डायरेक्शन में माइग्रेट करेंगी, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। बट मुझे एटलीस्ट 3 से 5 साल का क्लैरिटी है कि ये स्टॉक आपको आउट परफॉर्म करता दिखाई देगा ऑटोमोबाइल स्पेस। 3 से 5 साल फिर एक ड्यूरेशन की अगर बात करें तो, और वहां पर आपको अच्छे से रिवॉर्ड कर सकता है, क्योंकि अच्छी बातें इसके लिए हुई हैं स्टॉक के लिए। लेकिन फिर भी लगाड़ रहा, अब 100 रुपये के नीचे के भी भाव थे, वहां से चलना शुरू किया, बहुत समय तक 110-115 की रेंज में फंसा रहा, फिर इसे चलने की शुरुआत हुई है और अब ये चलेगा और इस पर कन्विक्शन भी है आशीष जी का, तो आप इसको लॉन्ग टर्म वेट के लिए आप इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, शिवाशी गुप्ता हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं। शिवाशी नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? हाँ नमस्कार सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरे पास 700 के रेट में 800 शेयर है एयरटेल के, भारतीय एयरटेल। ठीक है, 707 रुपये के भाव पर एयरटेल के शेयर हैं, 800 शेयर हैं और 768 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आशीष जी, भारतीय एयरटेल, कल हमने शेयर में तेजी देखी थी, उसकी वजह ये है कि इस महीने के आखिर तक 5G को लॉन्च कर देने का इनका प्लान है। तो जो नेक्स्ट बिग थिंग अब अगर टेलीकॉम में देखेंगे तो वो 5G है, और उसको लेकर दो ही कंपनियां रेस में हैं, भारतीय एयरटेल और हम देख रहे हैं कि जियो ने भी कमर कस ली है। भारतीय एयरटेल, इसके बारे में आपका क्या व्यू है और कोई टेंशन तो नहीं है ना अगर इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखें तो? नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टॉक को लंबी अवधि या शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म तीनों के लिए होल्ड किया जा सकता है। अब देखिए, उन्होंने सिंगटेल से, प्रमोटर्स ने उनकी हिस्सेदारी खरीदी है, तो ये शो करता है कि क्या उनका कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस मॉडल में। सबसे बड़ी बात तो वो कंफर्ट देती है मुझे। दूसरी बात ये, जैसे 5G के लॉन्च में क्योंकि उनका पैन इंडिया नेटवर्क बना हुआ है भारती और जियो का, तो भारती वहां पर भी स्कोर करेगा कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया। और मेरा मानना है जो वर्स्ट था इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो खत्म हो गया है, क्योंकि ARPU जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, प्लस 5G का जो पेमेंट करना है वो काफी स्टैगर्ड वे में करना है, तो एक शॉर्ट इन द आर्म है 5G इन सारी कंपनीज के लिए, और इन स्टॉक्स को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। इनफैक्ट 1 साल के लिए मेरा लक्ष्य इस स्टॉक के लिए 1,000 रुपए का है। ठीक है, तो अगले 1 साल के लिए भारतीय एयरटेल में 1,000 का लक्ष्य आते हुए देख सकते हैं, ऐसा आशीष जी का मानना है। तो फिलहाल इस काउंटर में आप बने रहिए।